तारीख को प्रदर्शन किया था नरवाना शहर में। वहाँ पर सभी संगठन और सभी प्राइवेट स्कूलों के टीचर आए थे और अपने बच्चों को भी साथ में लेके आए थे। वहाँ नरवाना शहर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और अपने SDM को ज्ञापन दिया था कि हम 2 तारीख को जबरदस्ती स्कूल खुलवाएंगे। हमने पहले 25 तारीख को चेतावनी दी थी कि 1 तारीख को हम स्कूलों को खुलवाएंगे और सेंटरों को खुलवाएंगे। फिर सरकार ने 10वीं और प्लस टू तक तो खोल दिए और सेंटरों को भी खोल दिया 1 तारीख को। फिर हमने सोचा कि एक और जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। 1 तारीख को प्रदर्शन किया और 2 को चेतावनी दे दी कि हम जबरदस्ती खुलवाएंगे, कुछ भी करो। हमने कल अपने गांव का सरकारी स्कूल को जबरदस्ती खुलवा दिया है और गुरु जी का भी फोन आया था कि हमारा भी स्कूल खुलवाओ, हम आपके साथ अजी तन मन धन से आपके साथ रहेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी आपसे पहले हम हमारे भी केस करो। सरकार से यही कहना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जी और स्कूल का स्टाफ और जितने भी यहाँ पर अभिभावक स्कूल के निकट पहुंचे अपने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने के लिए, हमारी प्रिंसिपल जीओ से यही प्रार्थना है कि स्कूल को सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जो आज घर के ऊपर बैठी हुई है उनको सरकार ने एक कोरोना का जो जरिया बनाकर घर पर उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए ताकि जो ये आज की नौजवान है, युवा है और जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, न ये शिक्षा से वंचित रहें। और जो सरकार है वो इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। आज आप यूपी के अंदर देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं, जो भी कोई पार्टी है वो सभी अपने अपने काम कर रही हैं। लेकिन जो शिक्षा का सत्र है उसको गिराने का काम किया जा रहा है और सभी स्कूल जितने भी हैं पूरे भारत के अंदर सभी स्कूलों को बंद किया गया है। लेकिन अब सभी अभिभावक और सभी जन जितने भी लोग हैं सभी जागरूक हो चुके हैं और वो स्कूलों को खुलवाने के लिए हर स्कूल में जाकर खुद अपनी हाजिरी लगाकर अपने बच्चों को लेकर और ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि आप स्कूल को खोलो और हम स्कूल को सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। बीओ या कोई भी आप ऑफिसर है, शिक्षा अधिकारी है, उसको कहेंगे कि स्कूलों को पूरे सुचारू रूप से चालू किया जाए, क्योंकि आप देख भी रहे हैं अब जो शराब के ठेके हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या कोरोना वहां पर नहीं है? वहां पर लाइनें लगती हैं बहुत बड़ी, दिल्ली हो, पंजाब, चंडीगढ़ ऐसे शहर हैं, अम्बाड़ा, जिनमें बहुत बड़ी लाइनें लगती हैं और शराब की दुकानें चार चार पांच पांच घंटे के लिए खोली जाती हैं और उनमें बहुत बड़ी उल्टा मिलाई होती है, वहां पर कोरोना नहीं आता। क्या कोरोना स्कूल ही में कोरोना होता है क्या? आज तक हमने किसी भी जगह पर ऐसा नहीं देखा है कि कहीं भी किसी भी बच्चे को कोरोना की कोई शिकायत आई है। हमारे जो बच्चे हैं, हम हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, हम पहले ही सक्षम है इन चीजों से। हमारे को कोरोना क्या होता है? खांसी जुकाम आज से बहुत साल पहले भी होते थे और वो आज भी हो रहे हैं और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, किसी को दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और सरकार ने एक पाबंदी लगाई थी कि कोई भी अगर जिसको वैक्सीन नहीं लगी है वो कहीं भी नहीं जा सकता है, किसी सरकारी बस स्टैंड पे नहीं जा सकता, रेलवे स्टेशन पे नहीं जा सकता, जहाज में नहीं बैठ सकता है या किसी सरकारी कर्मचारी से कोई भी काम नहीं करवा सकता। लेकिन हमारी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया और उसके अंदर सरकार ने हलफनामा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने किस पर पाबंदी लगाई है, किस बेस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन सरकार ने हलफनामा दायर करना पड़ा कि हमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और वैक्सीन की किसी पर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन करे वो लगवा सकता है और जिसका मन ना करे ना लगवाए। इसलिए हमारे प्रिंसिपल से हम हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहते हैं कि स्कूल को आप सुचारू रूप से चालू करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।